संभल के असमोली बिजली घर से जुड़े गांव में 24 घंटे में मात्र 4 से 5 घंटे बिजली आपूर्ति होने पर उपभोक्ताओं ने असमोली बिजली घर पहुंचकर घेराव किया, जहां ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जेई को सौंपा। ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए उपभोक्ताओं ने कहा कि अगर हमें बिजली समय अनुसार नहीं मिली तो बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, इसका जिम्मेदार स्वयं विद्युत आपूर्ति विभाग होगा। असमोली बिजली घर से जुड़े सभी गांवों में 24 घंटे में मात्र 4 से 5 घंटे बिजली दी जा रही है, जिससे विद्युत की समस्याएं होने से किसान तथा घरेलू उपभोक्ताओं को पानी की समस्या हो गई। क्षेत्र में विद्युत की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में आक्रोश पनपा हुआ है। इस शिकायत पर जेई द्वारा भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, बल्कि जेई ने यह कहकर टाल दिया कि आप SDO संभल से बात करिए, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। सभी किसानों ने बिजली घर का घेराव किया। किसानों ने ऊर्जा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जेई को सौंपा। किसान भाइयों ने आपको ज्ञापन दिया है, सर क्या है पूरा मामला बताएंगे जरा विस्तार से? ये जो है सप्लाई की कटौती को लेकर है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सप्लाई आ रही है वो हम पूरी तरह से फीडर पर नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि ट्रांसफार्मर जो है ओवरलोडेड है। सर कितना समय है ये लाइट मिलने के लिए किसानों को? किसानों को समय तो ये है कि हमें कम से कम 10 घंटे तो कृषि के लिए देनी ही है जी। बट अभी जब जो है हमारा जो है 16 घंटे या 15 घंटे की जब सप्लाई आती है, तो उसमें जो है 2 फीडर हमारे यहाँ राया बुजुर्ग और अकबर वगैरह जो एक साथ नहीं चल पाते, तो उसमें हम जो है उनको आधा आधा कर चलाते हैं। दोनों ही फीडर जो है क्लब हैं, यहाँ पे कंबाइंड फीडर है, उनका फीडर सेग्रीगेशन नहीं हुआ है। सर कारण क्या है? कारण ये है कि वो यहाँ पे जो क्षमता वृद्धि है वो अप्रूव भी हो चुकी है, बट वो यदि ट्रांसफार्मर यहाँ पे जैसे कि 5 MVA से 10 MVA लग जाएगा तो वो जो है ये समस्या का समाधान एकदम हो जाएगा। सर समाधान होने का कब तक उम्मीद कर रहे हैं किसान लोग? अप्रूव्ड है बट अब पाइपलाइन में है, समय का निर्धारण मैं नहीं कर सकता कब हो जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।